सारी जगह विजिट करवाता हूँ जहाँ मैं था, जो मेरी डॉर्म थी और जहाँ हम लोग सारे स्विमिंग करते थे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज जो है वो हम लोग आए थे अपने UKS के कैंपस में। मैं आपको UKS का, जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो रियल कैंपस है, वो मैं आप लोगों को विजिट करवाऊंगा। और यहाँ आने की आज की जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पे आज है चाइनीज़ कल्चरल फेस्टिवल। चाइनीज़ एंशियंट कल्चर की परफॉर्मेंसेज वगैरह हैं और बीजिंग ओपरा जो है उसकी परफॉर्मेंसेज वगैरह जो है वो यहाँ पे होंगी। आप लोगों को इस व्लॉग में जो है वो चाइनीज़ कल्चरल एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी और इस व्लॉग में आप लोग जो है वो बीजिंग ओपरा को एंजॉय करेंगे। तो लेट्स सी, मैं आप लोगों को अपना कैंपस भी विजिट करवाऊँगा। 2 साल पहले मैंने यहाँ पर अपना कोर्स वर्क कम्प्लीट किया था, 6 महीने में मैं यहाँ पर रहा था। बहुत खूबसूरत कैंपस कल्चर राइट। यहाँ पर जो है इन लोगों ने सबसे पहले हम लोगों के लिए गिफ्ट अरेंज किए हैं। कैन आई हैव अ लुक? और ये जो है क्या नाम है, इन लोगों ने हमारी यूनिवर्सिटी का जो है वो बनाया हुआ है गिफ्ट का, जो कि इन्होंने सबको दिया। इंट्रो जो है वो मैं सुबह नहीं बना सका था क्योंकि हम लोगों को सुबह 6 बजे उठना था और जो बस थी वो 6:30 बजे जो है वो वहाँ से निकलनी थी, या 7 बजे वहाँ से सॉरी निकलनी थी। तो मैं जो है क्या नाम है, उस टाइम अंधेरा था बिल्कुल, और मैं किस तरह से उठा, उठ के मैं बिल्कुल सो गया था बस के अंदर। तो मैंने कहा था कि मैं इंट्रो जो है वो वहाँ जाके बना लूँगा। तो यहाँ से हम अपने व्लॉग को करते हैं शुरू और आज का दिन जो है वो सारा का सारा मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्पेंड करूँगा। तो अभी हम चलते हैं अंदर, परफॉर्मेंसेज जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। तो मैं आप लोगों को सारी सारी परफॉर्मेंसेज यहाँ पर जो है क्या नाम है, सारी की सारी इन्होंने अरेंजमेंट की हुई हैं जहाँ पर सारी परफॉर्मेंसेज होंगी।
गोशुन कॉन्सर्ट की बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थी और हर परफॉर्मेंस बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। मैं इन सब को कंपाइल करके एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगा ताकि आप लोग गोशुन कॉन्सर्ट को वहाँ इंजॉय कर सकें। कॉन्सर्ट के बाद हम सब ने गोशुन इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना सीखा, जो कि बहुत मुश्किल था। ये हैं वो गोशुन और ये हैं जो टीचर ने खुद से बनाए हुए अपने हाथ से, और ये जो है क्या नाम है वो नॉर्मल टीचर ने जो है वो मुझे एक ये गोशुन जो है वो गिफ्ट दिया है। गोशुन परफॉर्मेंस के बाद जो है हम लोग आगे थे। अभी हम लोगों की हुई थी लंच ब्रेक, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो कैंपस को विजिट करवाता हूँ। ये जो है वो हमारे कैंपस का मेन एंट्रेंस है यहाँ से, ठीक है। और ये जो है सामने बिल्कुल फ्रंट पे जो है लाइब्रेरी है हमारी। अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि दोबारा एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो ये लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी के साथ उस साइड पे जो है वो ईस्ट कैंपस है और ये जो है वो वेस्ट कैंपस था। और ये सामने जो है वो इसका क्लॉक टावर था। और इस साइड पे अगर आप जाएँ तो यहाँ पे जो है क्या नाम है कैंटीन थी, और दूसरी साइड पे भी कैंटीन थी। अभी जो है वो चलते हैं आगे, तो मैं आपको जो है ना सारी की सारी जगह विज़िट करवाता हूँ जहाँ मैं जो मेरा रूम था, जो मेरी डॉर्म थी और जहाँ हम लोग सारे स्विमिंग करते थे। तो सारी चीज़ें जो हैं क्या नाम है मेरी अपनी मेमरीज जो हैं वो रिकॉल हो जाएंगी, और मैं साथ साथ आप लोगों को भी दिखा दूँगा। उस टाइम क्योंकि मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तो इतनी जो है वो मेरे पास कोई कलेक्शन नहीं थी, लेकिन आज जो है मैं आपको अपना सारा का सारा कैंपस जो है वो विजिट करवाता हूँ। इस कैंपस में इस बिल्डिंग में जो था वो हमारी डॉर्म थी, जहाँ हम लोगों ने 6 महीने मैंने गुजारे थे अपने कोर्स वर्क के लिए। और ये इसकी एंट्रेंस थी, और ये यहाँ पे सारी जो है वो डिफरेंट डॉर्म्स हैं। अभी यहाँ पे जो है वो काम चल रहा है। ये जो था वो हमारा स्विमिंग पूल था, अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और ये था सारा का सारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। और ये जो है स्विमिंग पूल था जहाँ हमने 6 महीने स्विमिंग की, और हम लोगों ने मैंने जो अपनी स्विमिंग सीखी थी वो यहीं पे सीखी थी। बहुत मज़े का स्विमिंग पूल था ये, मैंने इस तरह का स्विमिंग पूल अपना पूरे बीजिंग में नहीं देखा। हमारा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, ये भी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये जिम था जहाँ हम लोग जिम करते थे। और ये था बैडमिंटन और वॉलीबॉल कोर्ट। गोशुन कॉन्सर्ट के बाद थी थाई ची परफॉर्मेंस, दैट इज फॉर रिलैक्सिंग द बॉडी। कैरेक्टरिस्टिक्स द फर्स्ट इज टू ओवरकम द हार्डनेस विद सॉफ्टनेस, टू ओवरकम द डाओ यी रेन हे यी जिएन यी रेन हे यी जिहो लियांग्शांग दोंगे चांगशेng नुली लाइक द शिंटर्स। After performance, we all did Tai Chi together, and it was a great experience. और Tai Chi के बाद अब जो finally time है वो है Beijing Opera का, तो अब हम लोग enjoy करते हैं Beijing Opera को। Beijing Opera से पहले हमें एक छोटा सा interview record करवाना था, that is about today's event. I will upload the clip of the interview in the end of the vlog. So that's it for today's vlog. I hope कि आप लोगों ने enjoy किया होगा। We'll meet you in the next vlog. Till then, Allah Hafiz, take care, bye bye. अब जो है वो हम लोगों को जाना है वापस कैंपस में, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो इवेंट है वो enjoy किया। For me, like I heard for the very first time the music of
Tashung. This is like just like a flute, but this is another thing. So this music like give us so much soothing effect. The second thing is about the Taiji. I did the Taiji in Shandong province before, but the Taiji that I did today with the teachers, this Taiji makes my body relaxed. And the third thing is the Beijing Opera. So I never heard the Beijing Opera before as well. So this activity gave me the chance to hear the Beijing Opera. So overall, this activity is quite good to know the Chinese culture, the music, the tradition, and the way of relaxing the body and make the mind peaceful. So that's it. Tell me about your favorite Chinese meal. Like if you're asking me about the Chinese food, which food I like the most, so that's the hot pot. So you can eat a lot of things. You can add some noodles, you can add some vegetables inside it, and you can add some like spices or just like this stuff. So hot pot I used to like most in Chinese meal if you're talking about everything. So yeah, for me like hot pot is